व्यापारी एकता जिंदाबाद, 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 व्यापारी एकता जिंदाबाद। जी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री साहब को उपायुक्त महोदय को आपको एस डी एम साहब को हम दे रहे हैं, ठीक है जी, पहुँचाने का, और इसकी रसीद भी हम थोड़ी देर में आपसे ले जाएंगे, ठीक है। ये 154 दुकानें हैं जो हमारी, ये कुछ दुकानें तो नगर पालिका की है, कुछ दुकानें हमारे वीडियो ब्लॉक की है। ये कोर्ट बनने के उपलक्ष्य में यहाँ पर इन दुकानों के ऊपर फोड़ने के टूटने की वो प्रक्रिया बनी हुई है, जबकि 154 दुकानें मानकर ये 154 परिवार माने जाए। अब वैसे देखा जाए तो कड़ी नाम में लगभग दुकान अवैध है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से। मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ, इन दुकानों पर किसी प्रकार कोई आँच नहीं आनी चाहिए। सरकार काम घर बसाना होता है, घरों को उजाड़ना नहीं होता है। तो मैं ये सरकार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि इनको दुकान न फोड़ी जाए और कोर्ट की व्यवस्था सुचारू से कहीं भी कर दी जाए, लेकिन दुकानों पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। बस इसी के साथ मैं अपनी बातों को विश्राम देता हूँ। तो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, ये माननीय श्री मुख्यमंत्री साहब को माननीय श्री SDM साहब के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ये हमारा निश्चितकालीन धरना है जो कि दुकानों को ना तोड़ने के लेकर है। इसमें हम सब 154 दुकानदार अपनी सभी दुकानें बंद करके यहाँ बैठे हुए हैं और ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा। हो सके जरूरत पड़ी तो हम अपने परिवार के साथ भी यहाँ धरने पे बैठेंगे, क्योंकि हमारा रोजी रोटी का सवाल है इन 154 दुकानदारों के साथ। हर दुकान में एक एक दो दो वर्कर काम करते हैं, तो ऐसे करके 400-500 हो जाते हैं। ये 400-500 परिवार की रोजी रोटी का सवाल है, और मेरा सरकार से यही गुजारिश है कि शायद सरकार ऐसा नहीं करेगी कि हम सभी दुकानदारों को बेघर करे और इन 400-500 परिवारों को, घरों को बेघर करे, इनके रोटी के लाले हों। हाँ जी, क्या नाम है आप? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है जी। आज तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है आपकी तरफ से, क्यों दिया जा रहा है? ये इसलिए दिया जा रहा है कि हमारी 154 दुकानों के जो है तोड़ने के आदेश हमें मिले हुए हैं। इससे जो है कल लगभग 2000 आदमियों की रोजी रोटी को धक्का लगेगा। और आप अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए धरने पर बैठे हैं? हाँ, सरकार तक पहुंचाने के लिए धरने पर बैठे हुए हैं, और हम आपके न्यूज़ चैनल का, हरियाणा का बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारी बात को आगे तक पहुंचाते हैं। कहना चाहेंगे जो अनिश्चितकालीन धरना आज शुरू किया गया है, इसमें यह है जी, हमें अपनी दुकानें बदलानी है। हम 30-40 साल से यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे पास यही एक रोज़गार है, और इन्हीं रोज़गारों से हमारे परिवार 154 से करीब 2500 परिवार चलते हैं, जिससे ये दुकानें अगर हमारी टूट गई तो हमारे सभी बेरोज़गार हो जाएंगे हम, और हमें कहीं और जगह भी नहीं है। इसलिए क्या जो धरना दिया जा रहा है, आप अपनी इन दुकानों को बचाने के लिए दे रहे हैं या अगर वैकल्पिक जगह दी जाए उसके? नहीं, हम अपनी जगह यहीं पे रखना चाहते हैं, इन दुकानों को यहीं पे रहे हमारी, और कोई यहाँ जगह भी नहीं है ऐसी जो वहाँ चल सके हमारी दुकान में। हमारी काफ़ी साल कोर्ट का हमें इससे कोई मैटर नहीं है, ये कहीं भी बने कहीं भी, लेकिन हमारी दुकानें जो हम बैठे हैं यहीं की यहीं रहे जी। कनेड़ा मंडी से हमारी दुकान है, यहाँ पर दो दुकानें हैं और जिनको सरकार तोड़ने पर उतारू हो रही है। 154 दुकानों को तोड़ने का नोटिस दिया हुआ है सभी दुकानों का, और ये कह रहे हैं कि ये दुकानें तोड़कर यहाँ पर कोर्ट बनाई जाएगी, जबकि कोर्ट के लिए जगह और कोई काफ़ी जगह है, उनाड़ी मोड़ के ऊपर भी है और भी काफ़ी जगह है, माणकावाड़ी में भी है, लेकिन ये यहाँ पर इन दुकानदारों की रोजी रोटी छीन कर उजाड़ कर, और पहले ही यहाँ पर इतना जाम लगा रहता है, और यहाँ पर कोर्ट बनने के बाद में तो बहुत ज़्यादा जाम हो जाएगा और हमारी रोजी रोटी न छीनी जाए, और हमें यहीं पर दुकानें रहे हमारी, कोर्ट चाहे कहीं पर भी बनाए, हमें कोई एतराज नहीं। ठीक, आप किस वजह से आज यहाँ धरने पर बैठे? एक्चुअली हमारी 154 दुकानों का नोटिस आया हुआ है यहाँ पे सेक्रेटरिएट बनने के लिए जी, और यहाँ पे पर्याप्त जगह सेक्रेटरिएट की नहीं है, दुकानें बनी हुई है, इस वजह से सरकार ने हमें नोटिस दिए हैं कि ये दुकानें खाली की जाए, और हम 35-40 साल से यहाँ बैठे हैं, हमारी रोजी रोटी चला रहे हैं, इन सब रोजी परिवारों की रोजी रोटी का मतलब आन पड़ी है, इसलिए हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं ताकि हमारी दुकानें बचे। ये धरना कब तक चलाएंगे? ये धरना अनिश्चित काल तक चलता रहेगा, जब तक सरकार हमारी माने नहीं मान लेगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, हम अपनी मांगे बनवाने के बाद यहाँ से उठेंगे।